कॉर्नर फिनिशर लगा लगा बॉय हूँ भाई साहब, कॉर्नर स्पीयर भाई रोमन का, अरे बच गई रेफरी भाई, रेफरी चली गई पहली स्पीयर, दूसरी स्पीयर, ओ भाई कली सर जलवे में बियो केड़ वाला सब इंडिया। तो आज की फाइट कुछ अलग, कुछ धमाकेदार, कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आने द जायंट योकोजुना और ग्रेट खली की फाइट होने वाली है। खतरों टीम से बोले तो जॉन सीना, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि योकोजुना, आने द जायंट और ग्रेट खली ने भाई रोमन से फिनिशर और सिग्नेचर उनका उधार ले लिया है, अब कुछ टाइम के लिए ही लिया, परमानेंट नहीं, और देखते हैं कैसा परफॉर्म करने वाले, क्या ये खतरू टीम को हरा पाते हैं। और फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, और भाई इस तरीके की वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगे, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। खली सर और ब्रॉक लेसनर आमने सामने, भाई भाई फिनिशर लगा, ओ भाई साहब रोमन का जलवा खली सर ने काटा भाई, ओवरऑल कम है लेकिन ठीक है भाई, जबरदस्त फिनिशर आई है, पहली स्पीयर, दूसरी स्पीयर, ओ भाई खली सर जलवे में, खली सर ने रौला काट दिया भाई, रोमन की फिनिशर लेके तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया भाई, खली सर क्या कर रहे हो यार, अरे क्या करना क्या चाह रहे हो भाई। फाइनली ब्रॉक लेसनर ने थोड़ा सा कमबैक किया लेकिन फायदा नहीं है, खली सर बढ़िया खेल रहे हैं भाई, आज तो लग रहा है जीतने के मूड से आया घर से, बुरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं भाई लेसनर को, लेसनर की बॉडी येलो हो चुकी है और आंधे से जाइंट आ चुके हैं, नो कॉर्नर फिनिशर के लिए जा सकते हैं, आंधे से जा रहे हैं कॉर्नर फिनिशर के लिए, भाई 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 कॉर्नर फिनिशर लगा लगा बॉय हूँ भाई साहब, कॉर्नर स्पीयर भाई रोमन का, अरे बच गई रेफरी भाई, रेफरी चली गई, रेफरी बीच में आ जाती तो कार्ड हो जाता भाई, रेफरी को लग जाती स्पीयर, गया ब्रॉक लेसनर, गया भाई 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 ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट, और रोमन की स्पीयर, ओ भाई साहब दोनों स्पीयर लगाने जा रहे थे, किसी की नहीं लगी भाई, आंद्रे सर के पास अब भी एक फिनिशर बचा हुआ, तो एक फिनिशर अब भी लग सकती है, और रोमन के सामने स्पीयर वाला फिनिशर अगर इन लोगों के पास है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मास्टर ऑफ स्पीयर है भाई रोमन रेस, तो रोमन के सामने स्पीयर उतनी अच्छी तरह वर्क करेगी नहीं, हो सकता कर भी जाए क्योंकि सुपरस्टार के ऊपर डिपेंड करता, और पर रोमन या डोमिनेट करने वाला है, पूरी टीम को डोमिनेट करने वाला है, पर रोमन एलिमिनेट नहीं होना भाई, अंदर आ जाओ, पांच तक काउंट है भाई, चलो रोमन अंदर आए, आंद्रे सर क्या कर रहे हैं भाई, टैल क्यों रहे हो बाहर, जल्दी अंदर आओ, चलो रोमन टॉप रोप पे जाने का क्या फायदा भाई, चलो रिवर्स, ये चलो रोमन आप टॉप रोप पे आई गए तो भाई कुछ तो लगा ही दो भाई, रह गया ये भी फिनिशर, ओ भाई साहब स्पीयर, आंद्रे सर खतरनाक मूड में भाई, डेंजरस मूड ऑन हो चुका है, रोमन ने किक आउट कर दिया भाई, इतनी जल्दी रोमन कहाँ, ये फिनिशर के लिए रोमन जाना चाह रहा है, लेकिन आंद्रे द जायंट मौका दे तब ना, खली सर फिर आ चुका है, खली सर के पास कोई फिनिशर नहीं है यार, ये गए खली सर, खली सर यार टैग देना ही नहीं था भाई, योकोजुना को टैग देना था, अब ये सोचो योकोजुना स्पीयर लगाता हो कैसा लगेगा भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ओ जॉन सीना भाई खतरनाक सुपरस्टार हो गया जॉन सीना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, मतलब 2K23 की सारी कमी सीना ने ना 2K24 में दूर कर दी है, इतना ज़्यादा सुपर्ब खेल रहा है ना सीना 2K24 में, जो गजब, जब आपने 2K भाई थैंक यू कि आपने जॉन सीना को सही किया भाई, नहीं तो सीना भाई बाहर ए क्यों लगाना है, सीना रिंग में लगा लो, और सीना नहीं मानने वाला भाई, सीना नहीं मानने वाला, नॉकआउट ऑफ है, और जो भी होगा भाई पिनफॉल या सबमिशन से ही होने वाला, खली सर गए, खली सर स्टंड, सीना अगर बाहर चले जाए तभी खली सर बच सकते हैं, लेकिन जाने वाले नहीं है सीना भाई, बिल्कुल बहुत बहुत से रह गया, खली सर गए, खली सर एलिमिनेट यार, ये गलत हो गया भाई, काउंटडाउन से एलिमिनेट हो गए भाई, भाई 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 ये गए, गड़बड़ हो गया यार, अब लीगल प्लेयर कौन है, आंद्रे द जायंट लीगल प्लेयर, आंद्रे सर की भी दोनों फिनिशर जा चुके हैं, चलो कुछ कम बैक किया आंद्रे सर ने, जॉन सीना यार खतरनाक, मैंने बोला ना आते आते भाई खली सर को पी गए सीना भाई, तीन तक काउंट हो गए, इन लोगों को पता नहीं क्या काउंटडाउन सेलिब्रेट होने में मजा आने लगा, सीना अंदर आओ, सीना अंदर आओ, सीना भी अंदर, चलो ठीक है, अब एक तो लग चुका भाई, लेकिन दूसरा लगता है या नहीं लगता वो देखने वाली बात है, क्योंकि सीना ने एक और ये लगाया ना तो आंद्रे सर का काम तमाम हो जाएगा, और रोमन को टैग मिल चुका भाई, रोमन के पास दो दो फिनिशर हैं, तीसरा भाई सुपरमैन पंच स्पीयर, ये भाई बच गया, अगर ये वाला आयरिश भी हो जाता ना कॉर्नर में, आंद्रे सर पहुंच जाते तो पक्का सुपर फिनिशर आता, लेकिन आंद्रे सर ने समझदारी दिखाई और कॉर्नर में ना जाके भाई
रिवर्स कर दिया आयरिश विप को। रोमन के पास सुपर फिनिशर है, ये सबसे खतरनाक है भाई। जिसको भी लगा उसका काम गया भाई, रोमन की रेजिलेंस जा चुकी है, ये एक एडवांटेज है भाई सुपर जायंट्स की टीम के पास। और रोमन को भाई कोई फिनिशर या सिग्नेचर नहीं है आंद्रेसर के पास, अगर होता ना तो लगता तो मजा आता। कॉर्नर ओ सुपरमैन पंच, ओ भाई साहब सुपरमैन पंच, रोमन का लगा, रोमन का काम तमाम। अगर पिनफॉल करवा लिया, सीना एक बार आ सकते थे भाई, रोमन की किस्मत अच्छी है कि सीना के पास एक बार मौका था बाहर आने का। अब अगर रोमन कम से कम जाते आते, कॉर्नर फिनिशर हो भाई साहब, बची कुची कस आंद्रेसर ने दूर कर दी। अगर ये फिनिशर लगा रोमन गया, रोमन भाई ना 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 ना, रोमन इतनी जल्दी जाने वाला सुपरस्टार नहीं है, और योकोजुना बीच में आ नहीं सकते, ये सुपरमैन भाई फिर बच गया। कितनी तेज खेल रहे हैं आंद्रे सर, मतलब फिनिशर और सिग्नेचर ही चेंज किया है केवल, उसके अलावा रोमन का कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद भी इतना तगड़ा भाई परफॉर्मेंस आ रहा है। रोमन नॉर्मली फिनिशर लगा तो, लेकिन रोमन मानने वाला नहीं है, सुपरमैन बच फिर रह गया भाई, रेफरी आ गई बीच में। ये आंद्रे सर की किस्मत है भाई, ये किस्मत का खेल चल रहा है यहाँ पे। स्पीयर आएगी, स्पीयर ही आ जाए भाई, तगड़ा वाला क्लोज लाइन है यार, ये बहुत तगड़ी क्लोज लाइन थी। आंद्रे सर की बॉडी ऑरेंज, हेड येल्लो, अब सीना आ चुके, सीना के पास अब भी एक फिनिशर है तो सीना काम उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। योकोजुना की तो भी एंट्री ही नहीं हुई है भाई, फुल एचपी फुल पावर लेके खड़े हुए योकोजुना, जॉन सीना की भी फुल पावर है। और चलो जॉन सीना को पेल रहे हैं आंद्रे, जायंट के पास कोई फिनिशर कोई सिग्नेचर नहीं है, एक फिनिशर था वो रिवर्स हो गया था, रोमन ने कर दिया था, चलो टैग दे दो भाई, बढ़िया, ये समझदारी का डिसीजन है आंद्रे द जायंट का। योकोजुना फिनिशर, योकोजुना फिनिशर भाई, योकोजुना सीना, थोड़ा मुश्किल होगा योकोजुना को ग्रैब करना या उनको आयरिश व्हिप करना। कॉर्नर फिनिशर, कॉर्नर फिनिशर कहाँ से लगेगा भाई, सीना को थोड़ा सा पेल तो लो पहले, मार पीट तो लो। और योकोजुना यार फिनिशर के लिए जाओ भाई प्लीज, फिनिशर देखने में जो मजा आ रहा है ना स्पीयर, वो ये आई, योकोजुना ने स्पीयर लगाई भाई, अब आएगी, ओह फाइनली स्पीयर, ओह भाई साहब तगड़ा लग रहा है, योकोजुना भी स्पीयर लगाते हो, बहुत ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया फाइट में, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा ना कि कुछ कहने की नहीं यार। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, व्हाट इफ़ की और भी वीडियोस परमानेंटली आती ही रहेंगी। और व्हाट इफ़ के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो तो मुझे यार दे देना। योकोजुना को ए लगा, रिवर्स नहीं हुआ तो योकोजुना के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी भाई, सीना के पास फिनिशर दूसरा भी, एक फिनिशर और आने वाला, योकोजुना गया, चलो ठीक है, पिनफॉल को हटा दिया। सीना क्या कर ले यार, सीना के पास कोई फिनिशर नहीं है, आ गया फिनिशर, आ गया भाई, सीना को हटाओ यार, सीना अगर रुका रहा ना मैच में तो भाई पूरा काम डाल जाएगा, और योकोजुना आंद्रे द जायंट कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। बैंकर सीना खेल रहा है यार, लग रहा है रेजिलेंस गई, बिना रेजिलेंस के किक आउट कर दिया योकोजुना, ठीक है बढ़िया खेल रहे हैं भाई, बढ़िया खेल रहे हैं। नकल शफल आया भाई, सीना गजब खेल रहा है यार, इतना तगड़ा सीना खेल रहा है ना कि क्या कहूँ मैं, देख के मज़ा भी आ रहा है, और लग रहा है भाई इन लोगों को फिनिशर देखने का कोई फायदा। सीना के पास दो दो फिनिशर आ चुके हैं, अब तो पक्का रेजिलेंस गई, आंद्रे जायंट बचाने भी नहीं आ सकते, रेजिलेंस गई भाई, देख रहे हो कितना गजब। और रोमन के पास ऑलरेडी एक सुपर फिनिशर है, कुछ भाई क्या कर रहे हैं सीना, STF सीना गए, योकोजुना गए भाई, रेजिलेंस गई है तो योकोजुना गए, टैप आउट किया ना नहीं किया, एक और STF भाई, चलो योकोजुना ने बचा लिया। योकोजुना क्या कर रहा है भाई, स्पीयर लगाओ, सीना को हटाओ, अगर सीना रुका रहा है तो भाई फाइट में कुछ नहीं हो पाएगा, डबल टीम अटैक, ठीक है। आंद्रे जायंट के पास एक सिग्नेचर एक फिनिशर आने भी वाला है भाई, क्या गजब भाई साहब, क्या गजब डबल टीम अटैक है यार, आंद्रे सर फिनिशर सिग्नेचर कुछ तो लगाओ और सीना को हटाओ, अगर सीना रुका रहा ना मैच में तो भाई जीतने नहीं देगा, ये क्या कर रहे हैं, ये तगड़ा वाला मूव था, क्या करने जा रहे हैं, बाहर क्यों गए हो, बाहर जाने का क्या मतलब है भाई, रिंग में आओ ना भाई, सीना को पूरा मौका भी दे रहे हैं ये। गिलीटीन भाई, भाई सिग्नेचर वाला गिलीटीन, सीना जाएंगे ना, सीना की रेजिलेंस चली जाएगी तो मजा आ जाएगा, ना 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 ना, इतनी जल्दी सीना की रेजिलेंस जाने वाली नहीं है, ठीक है सीना को कुछ तो वीक कर ही दिया,
स्पीयर, वो भाई साहब आ गई आ गई आ गई स्पीयर आ गई अंदर जाइंट। सीना की रेजिलेंस जाएगी क्या? रेजिलेंस गई, सीना की भी रेजिलेंस गई भाई। बहुत टक्कर का मैच चल रहा है, रोमन को छोड़ो सीना को पकड़ो, आंद्रेसन सीना को पकड़ो। रोमन ने स्टंट है, रोमन के पास एक सुपर फिनिशर है। मुझे बस यही टेंशन लग रही है कि रोमन के पास सुपर फिनिशर है, ठीक है। क्यों बार 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 भाई क्या कर रहे हैं? टॉप रूप से कूदना आपकी भाई नेचर में नहीं है। सीना का पिनफॉल करवा लो या कॉर्नर स्पीयर लगा दो। योकोजुना के पास कोई फिनिशर? हाँ एक फिनिशर है। रोमन को स्पीयर क्यों लगानी है? रोमन लीगल प्लेयर नहीं है भाई, सीना है लीगल प्लेयर है भाई। क्या कर रहे हैं ये लोग? योकोजुना सर क्या करी, एक मौका था, अगर सीना को फिनिशर लगा देते तो सीना का टाटा बाय बाय हो जाता। सीना जा रहा फिनिशर के लिए, सीना के पास कोई फिनिशर सिग्नेचर नहीं है। फायदा उठा लो भाई इस बात का, अगर सीना के पास फिनिशर आ गया तो दोनों में से एक को तो भाई पी जाएगा वो। गए भाई, कांड हो गया, सीना को फिनिशर लगाओ। सीना गया, सीना गया, सीना की रेजिलेंस जा चुकी है, सीना गया। रोमन आ नहीं सकता, रोमन आ नहीं सकता भाई। गए गए आंदे द जाइंट भी गए, रेजिलेंस का मीटर नहीं है भाई। किक आउट कर दो प्लीज, किक आउट कर दिया भाई, बच गए, किक आउट कर दिया। सिग्नेचर ही लगाता और सुपर फिनिशर के लिए आप जाएगा भाई रोमन। स्पीयर भाई गई, रेजिलेंस गई, रेजिलेंस गई भाई, बिना रेजिलेंस की किक आउट कर दिया। आओ 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 भाई, कैसे रोमन जाएगा कॉर्नर फिनिशर के लिए? नहीं है भाई, मौका है बचा लो, सिग्नेचर लगा दो, सुपरमैन पंच या गिलिटीन लगा दो। आंद्रे सर रोमन के पास कोई फिनिशर नहीं है, सुपरमैन पंच भाई क्या कर रहे हैं? सुपरमैन पंच या गिलिटीन लगाओ यार, क्या कर रहे हो? एक और फिनिशर, आप तो गई, अब तो रेजिलेंस जानी जानी है। आप भी अगर रेजिलेंस बच गई तो ये भगवान का चमत्कार मानो, रेजिलेंस गई। मैंने बोला ना रेजिलेंस गई, आप नहीं जीतना रोमन के सामने, आप नहीं जीतोगे भाई। कॉर्नर फिनिशर, अगर ये रिवर्स कर पाए तो बच जाएंगे, और अगर रिवर्स नहीं हुआ तो भाई गए गए भाई गए। फाइनली रोमन ने निकाल ही लिया, किकआउट तो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। भाई साहब किस मोड़ पे आके मैच निकला है यार, रोमन के हक में गया है भाई, गजब। भाई क्या गजब मैच चला है यार, मतलब लिटरली इतना मजेदार मैच तो ना बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट टेक है भाई, ऐसा मैं समझू सेकंड या थर्ड टेक है, ये फर्स्ट टेक का मैच था। तो वीडियो में मजा आया तो मेरे भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और व्हाट इफ की और भी वीडियोस आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।